चैप्टर है वो चैप्टर आपका है बैटरी। ठीक है, बैटरी का मतलब क्या है? सबसे पहले बैटरी होती क्या है? बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो कि आप ऑटोमोबाइल्स के अंदर अब तो बहुत ज्यादा यूज हो गया है इसका। स्टार्टिंग में इसका यूज था जो कि लाइटनिंग के लिए और स्टार्टिंग ऑफ व्हीकल। अब जो है सेंट्रलाइज्ड गाड़ियां आ गई हैं, सेंट्रल लॉक सिस्टम हो चुका है और बहुत सारी चीजें जो है वो बैटरी से चलती हैं। ठीक है, तो इग्निशन जो है वो कम्प्लीटली बैटरी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। तो अब जो है बैटरी का यूज और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल का एक दो जो है हार्ट आप बोल सकते हैं, एक हार्ट तो होता है ऑटोमोबाइल का इंजन, और इंजन को सप्लाई जो है तो इलेक्ट्रिसिटी का हार्ट कौन सा होगा? तो वो होगी बैटरी। ठीक है, इट इज द हार्ट। सबसे पहले बैटरी होती क्या है? बैटरी इट इज द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम। आपके पास जो है लैपटॉप है, आपके पास कोई डिजिटल कुछ भी है,
जो भी चीज आप देख रहे हो सबके अंदर कौन सी बैटरीज यूज हो रही है, लियोन बैटरीज यूज हो रही है, लिथियम आयन बैटरीज यूज हो रही है। तो लिथियम आयन बैटरीज ने इतना ज्यादा अभी तक दबदबा बना लिया है कि आने वाला समय जो है वो लेड एसिड का नहीं है, अब जो है लिथियम आयन का टाइम चलने वाला है। लेकिन अभी तक जो है आज का टाइम जो है वो लेड एसिड बैटरीज का टाइम है, ठीक है, अभी तक लेड एसिड बैटरीज जो है वो कायम है। तो लेड एसिड बैटरीज के बारे में अपने सिलेबस के अंदर भी है, क्योंकि अभी तक जो है सब गाड़ियां जो है वो लेड एसिड बैटरीज के साथ ही अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो इनके अंदर कैसा होता है, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने जा रहे हैं ना अपन, ये जो लेड एसिड बैटरीज, ये आपके घरों के अंदर गाड़ी खोलोगे उसके अंदर जो बैटरी होगी वो लेड एसिड बैटरी है, सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा लो होती है, अप्रॉक्स 60-50, बहुत कम बैटरीज हैं जो 70 तक जाएंगी या हो सकता है जाएंगी, ठीक है। लेड एसिड बैटरीज जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती, बहुत ही ज्यादा पावर लॉस करती है ये चार्जिंग पे, तो बहुत ज्यादा इनके ऊपर एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन जब उन्होंने वापस डिलीवर करनी है तो उसका 70-80% हिस्सा ही वो वापस दे पाती है, 20-30% जो उसका पार्ट है वो एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो लेड एसिड बैटरीज जो है इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर जो है 5 टाइप की चीजें रहती हैं। सबसे पहले लेड एसिड बैटरी इसके अंदर क्या रहता है, कंटेनर, एक रबर का बॉक्स होता है जो कि आपने बाहर से दिखता है आपको, ठीक है, आपने देखा होगा। बैटरी देखने जाओगे अपने इन्वर्टर के ऊपर लगी होगी आपके घर के अंदर, आपके जो है पड़ोस में कोई गाड़ी हो, जाए आपके घर में कोई गाड़ी हो, उसको आप बोनट खोलोगे उसके नीचे जो बैटरी पड़ी होगी वो लेड एसिड बैटरी होगी, और उसकी दो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो उसका सेल कवर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो उसका टॉप है, और एक जो है साइडों से उसका क्या है, कंटेनर। तो सबसे पहले आता है कंटेनर, ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, कंटेनर है किसी बैटरी का, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर सारी चीजें फिट रहती हैं, कंटेनर के अंदर सेल होते हैं, सेल बने रहते हैं, ठीक है, वो सेल आपस में कनेक्ट होके फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहला आ गया कंटेनर, और दूसरे नंबर के अंदर आ गई सेल। सेल जो है वो दो प्लेट से मिलके बनता है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट से, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, उन दोनों को आपस में जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या होता है, एक सेल होता है, जनरेट होता है। तो दूसरे नंबर पे क्या आएंगी, प्लेट्स आएंगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। तो प्लेट्स, अब प्लेट्स जो है वो अगर आप लेड एसिड प्लेट्स होती है, वो लेड प्लेट्स होती है, सॉरी लेड पेरोक्साइड की प्लेट बनी रहती है वो। लेकिन अगर उस लेड पेरोक्साइड को सिंपल एयर के अंदर रखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्किट बना सके, ठीक है। मतलब कि जो प्लेट्स हैं उनको एक कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव प्लेट है और यहां पे एक नेगेटिव प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो है नेगेटिव, ठीक है, ये है नेगेटिव प्लेट। अब इन दोनों के अंदर जो है आपस में रिएक्शन होना चाहिए, अगर इनको एटमॉस्फेयर में खाली रख दोगे तो ये क्या होगी, दोनों प्लेट्स के अंदर रिएक्शन नहीं होगा। सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, आपने नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट दोनों को क्या करना है, एक वायर से जोड़ना है और यहाँ पे कुछ ना कुछ बल्ब लगा देना है, ठीक है। तो ये बल्ब क्या करेगा, कैसे रिएक्शन होगा, जो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चलेंगे और बल्ब से होते हुए पॉजिटिव जो है प्लेट उसके पास चले जाएंगे, नेगेटिव प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ से चलेंगे और इस तरफ आ जाएंगे। करंट कैसे क्रॉस होगा, करंट उससे अपोजिट होता है, बीटीपी में आपने पढ़ा था, पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव की ओर जाएगा, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन से उल्टा चलता है। तो सर्किट कैसे, अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों प्लेट्स आपस में रिएक्शन दे ही नहीं रही। तो इनको रिएक्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको एक कंटेनर के अंदर रखना होगा और उस कंटेनर के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल डालना होगा जिससे क्या हो कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों के अंदर सर्किट हो सके, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा क्या करना होगा, इनके अंदर रिएक्शन के लिए कोई ना कोई केमिकल यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर रहती है, एक कंटेनर के अंदर। तो ये बाहर वाला क्या रहा, कंटेनर, कंटेनर के अंदर यहाँ पे क्या आ गई, पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव प्लेट। एक इनके अंदर और चीज रखनी होती है, एक कागज जैसा कुछ, फाइबर जैसा कुछ होता है, वो होता है इन दोनों को आपस में एक दूसरे से दूर रखने के लिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, आपस में जुड़ गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बैटरी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो
तो यहां पे क्या है, सेपरेटर बोलते हैं उसको। तो तीसरा क्या आएगा, सेपरेटर। तीसरा क्या होता है, सेपरेटर। सेपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या आता है, इसके बाद फोर्थ आएगा आपके पास यहां पे सेल कवर, जो कि टॉप से बैटरी का टॉप दिखाई देता है। जैसा बैटरी का टॉप आपको अब दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि बद्दा दिखे, लेकिन जो ओल्ड बैटरीज है ना, पुरानी बैटरीज, उसको उठा के देखोगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि सेल जो है वो बाहर निकले हुए होते हैं। उनके जो सेल्स के जो टर्मिनल्स हैं, वो हर सेल के अलग अलग निकले हुए होते हैं और वो दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट होती थी पुरानी बैटरीज के अंदर, अब ऐसा नहीं होता। अब जो है कवर बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन अब पुराने सेल कवर के बारे में पढ़ेंगे वो कैसा होता था। तो सेल कवर, सेल कवर के बाद नेक्स्ट है फिफ्थ, और क्या होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट। ये जो केमिकल मैंने आपको बताया जिससे रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं एक बैटरी के अंदर। कंटेनर हो गया, कंटेनर के अंदर ये सारी चीजें फिट होती हैं, बाहर वाला कंटेनर। प्लेट्स होगी जो कि कंटेनर के अंदर फिट रहेंगी, जो कि सेल बनाती है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज होती है। सेपरेटर होते हैं, ये क्वेश्चन दो नंबर में आ जाता है कई बार, सेपरेटर क्या है। तो सेपरेटर क्या होता है, जो प्लेट्स को दूर करके रखे एक दूसरे से, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। सेल कवर क्या होता है, टॉप वाला हिस्सा जिसके अंदर लेड जो है, टर्मिनल्स जो है वो बाहर निकले हुए होते हैं जिसके अंदर से। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, केमिकल जिसके अंदर जो प्लेट्स हैं वो सबमर्ज्ड रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपना, इसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे कि कंटेनर कैसा होता है, कंटेनर का क्या काम होता है और कैसे वो है जो प्लेट्स को, और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंटेनर के अंदर, ठीक है। ऐसे आप पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले बात करते हैं, लेड एसिड बैटरी की ही बात हो रही है। लेड एसिड बैटरी के अंदर सबसे पहला पार्ट है कंटेनर, तो यहां पे लिख लेते हैं आप लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी के अंदर सबसे पहला पार्ट है कंटेनर, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कंटेनर। तो कंटेनर कैसा होता है, कंटेनर होता है ये एक वन पीस मोल्डेड है, ठीक है। इट इज ए वन, एक ही पीस है पूरा, ठीक है, मोल्डेड, उसको मोल्ड करके बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद मेड ऑफ हार्ड रबर, मेड ऑफ हार्ड रबर, हार्ड रबर से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये मोल्ड करके बनाया गया है, मेड ऑफ हार्ड रबर, हार्ड रबर से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारे जो है बैटरी के सेल्स जो है उनको अपा उसके अंदर आप सबमर्ज करके रखेंगे, ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा एक कंटेनर के अंदर, और उसके अंदर ये जो सेल्स है वो उसके अंदर अपा सबमर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये वन पीस है, उसी से ये बना हुआ है। उसके बाद इसके अंदर और क्या चीजें रहती हैं, इसके अंदर नीचे रहते हैं कुछ पोर्शन जिसको बोलते हैं सेडिमेंट स्पेस, इसी के अंदर। अब ये जो रबर से बना हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट जो है सेल्स के लिए अलग अलग जो है पार्टीशन होती है, ठीक है। इट हैज पार्टीशन फॉर डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल बनाने के लिए इसके अंदर पार्टीशन रखी जाती है, ठीक है। बहुत सारे पार्ट बनाए जाते हैं इसके, ठीक है। वो कितने पार्टीशन है उसी से डिसाइड होगा कि ये कितने वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है। तो ये पार्टीशन रखे जाते हैं, उनको अलग अलग क्या किया जाता है, फिर उसके अंदर अलग अलग प्लेट्स रखी जाती है। मतलब कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या रखा गया है, पोर्शन रखे गए हैं। जैसे कुछ ऐसा कंटेनर है, जिसके अंदर अपनी बैटरी फिट होगी। इस कंटेनर के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टीशंस बनाई गई हैं ताकि इसको क्या किया जा सके, सबमर्ज। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो यहां पे पहला पार्टीशन हो गया इसका, ठीक है, और इसके बाद यहां से दूसरा पार्टीशन हो गया, ठीक है। ऐसे इसके अंदर पार्टीशंस बने हुए हैं,
और यहाँ पे क्या है, अलग अलग सबका क्या है, एक होल है ऊपर जिससे उसके अंदर फ्लूड अपा एंटर करते हैं, उसके अंदर केमिकल्स चेक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ बैटरी के अंदर पार्टीशन बने होते हैं, ये टॉप वाला हिस्सा, इसको प्लेट कवर जो मैंने बोला था, ठीक है, ऐसे पार्टीशन बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और नीचे क्या रहता है, नीचे थोड़ा सा स्पेस जो है वो नीचे टच नहीं होती प्लेट, थोड़ी सी ऊपर रहती है, नीचे कुछ बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट स्पेस, सेडिमेंट स्पेस, सेडिमेंट स्पेस। उसका क्या काम है, ए सेडिमेंट स्पेस हैज बीन क्रिएटेड एट द बॉटम दैट द सेडिमेंट्स जो के उन प्लेट से निकलेंगे, जो के पार्टिकल्स ऐसे हैं जो के शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, वो प्लेट से टूटे, चाहे आपने उसको गलती से उसके अंदर डाल दिया, वो सारे उस सेडिमेंट स्पेस के अंदर नीचे चले जाएंगे। अगर वो प्लेट्स के बीच में रह गए तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जिसके कारण बैटरी जो है वो जल जाएगी, ठीक है। तो नीचे क्या रहता है, उसके सेडिमेंट स्पेस रहता है। तो ये सारी चीजें जो है, प्लेट हो गई, ठीक है, और जो सेपरेटर हो गया, और जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो सारा किसके अंदर रहता है, वो कंटेनर के अंदर रहता है। तो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स ए स्पेस फॉर प्लेट्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड जो जो भी मटेरियल उसके अंदर अपने जो है उसके अंदर डालना है बैटरी के अंदर, उस सभी को स्पेस देता है जो कंटेनर है, ठीक है। तो कंटेनर की वर्किंग आपको समझ में आई कि क्यों यूज करते हैं आप कंटेनर, यही है जो सारे पार्टिकल्स को, सारी प्लेट्स को, सारे इलेक्ट्रोलाइट को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात अपने की कंटेनर की, कंटेनर के ऊपर से आप जब आपने बना लिया कंटेनर को, नेक्स्ट क्या होता है उसके अंदर, कंटेनर के बाद सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, प्लेट, ठीक है। तो सेकेंड आ गई प्लेट्स, प्लेट्स, प्लेट्स जो होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, ठीक है। प्लेट्स आर ऑफ टू टाइप, प्लेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, एक तो पॉजिटिव प्लेट और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स, दो तरीके की प्लेट्स होती है, और ये प्लेट्स बनी किससे रहती है, एक तो लेड पेरोक्साइड से, ठीक है, एक तो लेड पेरोक्साइड से प्लेट बनती है, ठीक है। मटेरियल कौन सा होता है, प्लेट्स आर मेड बाय लेड पेरोक्साइड, और दूसरा क्या है, स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड, ठीक है। ये सारे मटेरियल्स होते हैं जिससे ये बनती है, ठीक है। तो उसके बाद प्लेट्स जब जनरेट कर लिया अपने, प्लेट्स बना ली, तो ये प्लेट्स क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ मैश में रहती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्लेट्स जो है उनको कहीं भी रख दिया दूर दूर, उनको एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर रखना पड़ता है, एक पर्टिकुलर स्पेस बना के रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो प्लेट है वो कैसे बनती है, वो ग्रिड के अंदर रहती है, ठीक है। तो जो प्लेट्स है, प्लेट्स आर इन मैश विद ग्रिड्स, ग्रिड्स बने रहते हैं इसके, ठीक है, ग्रिड बने रहते हैं, उन ग्रिड्स के अंदर वो है, मैश के अंदर रहती है, ठीक है। एक ग्रिड होता है, एक जो है ग्रिड्स, प्लेट के अंदर ग्रिड्स बनते हैं, उनके अंदर वो प्लेट्स फिट रहती हैं, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, तो अगर सीधी प्लेट रखेंगे तो वो टूट जाएगी, तो वो एक ग्रिड के अंदर रहती है जो उसको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ताकि वो प्लेट्स जो है उनके ऊपर ज्यादा लोड ना आए। बस उनका काम क्या है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन देना, ठीक है, और उनको बाकी चीजों से जो है दूर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, अब जो सारी प्लेट्स हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, एक एक सेल बनाती है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लेट्स, द नंबर ऑफ प्लेट्स इन वन सेल इज इक्वल एंड इट क्रिएट्स ए वोल्टेज ऑफ 2.2 वोल्ट। एक सेल जो है, एक सेल, अब सेल कैसे, मैंने आपको बताया था कंटेनर के अंदर जब अपने सेपरेट कर दिए, तो यहां पे क्या है, एक सेपरेशन का एक सेल होगा, अगर अपने दो को जोड़ दिया तो वो कितनी होगी, जो होगी 4.4 वोल्टेज।
अगर अपन ये तीन को जोड़ दिया वो कितनी होगी 6.6 वोल्टेज, ठीक है। ऐसे वोल्टेज बनती है बैटरी की, ठीक है। तो एक सेल के अंदर जो एक सेल है वो कितनी वोल्टेज बनाता है, 2.2 वोल्ट। तो अब अपन ने उसके अंदर कितनी प्लेट्स डाल दी एक सेल के अंदर, वो उसकी कैपेसिटी बनाएंगी कि वो 2.2 वोल्ट कितनी देर तक रख सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये वर्क करता है। उसके बाद जितनी भी अपन ने इसके अंदर सेल्स जो है ऐड किए वो सारे मिलके क्या करते हैं, एक जो है करंट पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जो कि कितने लाइफ टाइम तक चलेगी वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो प्लेट्स क्या है, प्लेट्स रिएक्शन देती है और प्लेट जो है एक सेल के अंदर कंटिन्यू जुड़ी रहती है, आपस में नहीं जुड़ी रहती, इनके बीच में क्या रहता है, एक सेपरेटर रहता है, और जो सेपरेटर आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं, ठीक है। तो अभी अपन एक सेल की बात करेंगे, तो तीसरा पार्ट क्या था अपना प्लेट्स के बाद, प्लेट का मटेरियल आपको पता चला, तीसरा था सेपरेटर, ठीक है। तो तीसरा लिख लेते हैं यहाँ पे सेपरेटर्स, थर्ड पार्ट क्या था सेपरेटर्स, सेपरेटर्स क्या रहते हैं, एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए, एक बैटरी के अंदर एक सेपरेटर होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से अलग करता है। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इसका, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बना देते हैं अपन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये आ गया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, फिर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और फिर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो अब इनको क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो पॉजिटिव वाले है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड रहते हैं, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आ गया, ये तो तीनों, ठीक है, ये तीनों नेगेटिव और यहां पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, तीनों पॉजिटिव और तीनों नेगेटिव, नेगेटिव तीनों आपस में जुड़े रहते हैं और पॉजिटिव, ऐसे एक सेल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक पूरा सेल बन चुका है, इस सेल का काम क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, और अगर रिएक्शन कैसे होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्शन करेंगे और जाके जब ये पूरा सर्किट बनेगा तो ये क्या करेंगे, आपस में यहाँ से भी आपस में एंड पे भी रिएक्शन होगा एक दूसरे से और यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, जिसके कारण एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर से ऐसे अंदर से होकर रिएक्शन चारों तरफ से घूम के आएगा। अब अगर ये आपस में जुड़ गए तो ये क्या होगा, यहीं पे शॉर्ट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा करंट। तो इनको आपस में जुड़ने नहीं देना, उसके लिए आप क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है, एक सेपरेटर फिल करते हैं। तो ये आ गया एक सेपरेटर, दूसरा सेपरेटर, तीसरा सेपरेटर और ऐसे ही सो ऑन, सेपरेटर्स जो है वो ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये आ गया लास्ट सेपरेटर। तो ये है सेपरेटर्स, इनको आपस में दूर रखने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या है जो अंदर लगे हुए हैं, ये है सेपरेटर्स, सेपरेटर्स इनका काम क्या है, शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करना, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या रहता है, टू प्रिवेंट, सेपरेटर्स किस लिए होते हैं, टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स, टू प्रिवेंट द पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स टू कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट,
शॉर्ट सर्किट होने से रोकने के लिए आप क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सेपरेटर्स यूज करते हैं जो कि इसको बचाते हैं शॉर्ट सर्किट होने से। ठीक है, तो ये किससे बना रहता है, प्लास्टिक एंड फाइबर ग्लास जैसी चीजों से। तो इसका मेन मटेरियल क्या है, प्लास्टिक और फाइबर ग्लास। प्लास्टिक एंड फाइबर ग्लास जैसी मटेरियल्स होते हैं जिनसे ये मिलके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप जो बाकी की दो चीजें रह गई, एक तो सेल कवर और तीसरा जो था फिफ्थ जो था इलेक्ट्रोलाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।